वो कह रहे हैं कि भूषण तू मुझे ले जाता ट्रैवलिंग पे, आज मैं तुझे बाजीराव मस्तानी इंस्पायर्ड बाल गणेश आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ पे शिवाजी की झलक आपको दिखाई पड़ेगी, शंकर के साथ साथ विष्णु अवतार में भी गणपति नजर आएंगे। वाह, यानी कि टू इन वन है, दोनों से आशीर्वाद मिल जाएंगे, शंकर से भी और गणपति से। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट, अलग ही थीम है। गणेश जी जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ये उनका बैकग्राउंड है। जब राम जी सीता जी को लेने के लिए लंका जाते हैं, ये उसका बैकग्राउंड बनेगा। तो आप सोचें कि आगे जो गणपति होंगे वो कैसे दिखाई पड़ते होंगे। आई एम श्योर पहले कभी नहीं देखे होंगे राम अवतार में गणेश। ओह क्या बात है, क्या आपने ऐसे गणपति पहले कभी देखे हैं? मैं आपको एंगल चेंज करके दिखा रही हूँ, आप देखिए सामने से गणेश जी, वो भी राम अवतार में, अति भव्य पंचमुखी गणपति जो बनाए हैं। इसे माटी से बनाया गया है और 15 दिन की मेहनत है, अथक प्रयास करते हुए दो हाथ यहाँ पे मौजूद हैं। इतने थके हुए हैं, कुछ बात करने को अभी बाकी नहीं है इनके पास, सारी की सारी एनर्जी दी हुई है, खाए पिए बिना सिर्फ मेहनत में लगे होते हैं। और छोटे छोटे इस घर के जो बच्चे हैं, देखिए आप वहाँ पर अंदर छुप के बैठा हुआ है, ये यहाँ का इस घर का चूहा है जिसने अपने हाथों से ये मूषक बनाए है। देखिए बचपन से ही इनको ये सिखाया जाता है, इनके घर में ही इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, मोबाइल फोन से दूर असली क्रिएटिव कामकाज करते हैं। वैसे पीओपी की ये मूर्ति जिसमें पूरा का पूरा शिव जी का परिवार नजर आ रहा है, कितना भव्य, कितना सुंदर। वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऊपर से उन्हें शिव जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं। मैंने देखिए माटी की मूर्ति जब बनती है तो ऐसी दिखाई पड़ती है, और ये अभी तक गीली है, इसको टच करके पता चलता है अभी तक गीली है, और उसके बाद इस पर फिनिशिंग वर्क जब शुरू होता है तो इस प्रकार से बाजीराव मस्तानी अगेन वो थीम है। और यहाँ पर कुछ नीचे हीरे पड़े हुए हैं, ये सारे वो हीरे हैं जो गणेश जी को अर्पित किए थे, जो गणेश जी में लगाए गए हैं, उनको सजाया गया है। क्या खूबसूरती से बनाया गया है। एक बच्चा यहाँ पर मौजूद है जो कि बचपन से ही छोटे छोटे गणेश जी को देख रहा है, उसी के साइज में गणेश जी की मूर्ति होती है, और वो कब से देखे जा रहा है कि पापा मम्मी किस काम में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये मोबाइल से दूर रहना और क्रिएटिव बनना, ठीक है बेटा। गणेश जी जब कृष्ण जी के साथ नजर आते हैं और कृष्ण राधा मिलकर रास खेल रहे होते हैं, और उस समय पर गणेश जी जब प्रकट होते हैं तो कैसे उन्हें लड्डू खिलाया जाता है। और देखिए गणेश जी और कृष्ण जी एक साथ, और देखिए आसपास आपको नजर आएगा कि रास चल रहा है, रास लीला, और उसमें गणेश जी प्रकट होते हैं। और जब वो आते हैं तो कह सकते हैं कृष्ण सुदामा जैसा ही लग रहा है ये, जहाँ पर कृष्ण जी प्रेम से उनके बाजू में खड़े हैं और उनको लड्डू अर्पित कर रहे हैं, जो कि गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। कितने प्यार से उन्होंने श्री कृष्ण के कंधे पर अपना हाथ रखा है, ये मित्रता नजर आ रही है, और ये कल्पनाएं कितनी सुंदर है। एक जो गणेश जी है वो विशेष मैसेज दे रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मत करना, नहीं तो चालान काटने के लिए मैं खुद आऊंगा स्वयं, तो साथ में यमराज को भी भेज सकता हूँ, मेरा उनके साथ बैठने उठने का है थोड़ा। परम पूज्य और सबसे पहले प्रथम पूज्य जिन्हें कहते हैं, वो बाबा की मूर्ति बहुत ही अमेजिंग बनी हुई है, उनके हाथ में लड्डू नजर आ रहा है, और ये सारे जितने भी मेहनत करने वाले कारीगर हैं, सबसे ज्यादा क्रिएटिव जो हाथ है वो यहाँ पर मौजूद, और इनको ले जाया जा रहा है वहाँ पर जहाँ इनकी स्थापना की जाएगी। तो साथ मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा।